इस दुनिया में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी माँ की होती है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ का प्यार नसीब नहीं होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को उसकी माँ ने अकेले खाली पड़े घर में छोड़कर चली गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी तब शुरू होती है जब रशिया के यारोस्लाव में खाली पड़े घर में एक माता अपनी 1 साल की बच्ची को छोड़कर चली गई। 10 साल बाद जब वह घर पे वापस आई तो उसने जो देखा उसे देखकर वो चौंक गई। एक दिन एक आदमी उसी खाली पड़े घर के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। बच्चे की रोने को उसने नज़रअंदाज कर दिया और वो अपने काम पर चला गया। उसके फिर एक दिन बाद बच्चे के फिर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब भी वो उस घर के पास से गुजरता तब बच्चे की रोने की आवाज़ आती। उसने एक बात नोटिस किया कि उस घर से न कोई आता है न कोई जाता है, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही थी। उसने ये भी देखा कि उस घर में कभी लाइट भी नहीं जलती है। तब ये बात उससे परेशान करने लगी तो उसने तुरंत पुलिस को इसके बारे में बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिला। जो लोग यहाँ रहते थे वो सब कुछ लेकर चले गए सिवाय अपने 1 साल की बच्ची के। पुलिस को फर्श पर रोती हुई बच्ची मिली। ठंड के समय में बच्ची फर्श पर पड़ी हुई थी। बाद में पता चला कि इस बच्ची ने 6 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है। ये किसी भगवान के चमत्कार से कम नहीं है कि उस समय बच्ची की जान बच गई। 6 दिन बिना कुछ खाए पिए इस केस की जांच की गई तो उसके फैमिली के साथ ही इस बच्ची के बारे में पता चला, जिसका नाम लीजा छाया था। लेकिन पुलिस लीजा के पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाई। लीजा को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। उसे कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रखा गया। उसी हॉस्पिटल में एक एना निका नाम की एक महिला भी आई जो वहाँ अपने बेटे को इलाज करा रही थी। जब लीजा को हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ ही एक नर्स ने लीजा की स्टोरी एना को बताई। तब से एना ने इस छोटी सी बच्ची का ध्यान रखना चालू कर दिया। वो उसके लिए खाना, कपड़े, खिलौना बाजार से लेकर आई। एक बार जब एना लीजा से मिलने गई तो उसने देखा कि लीजा वहाँ पर है ही नहीं। पूछने से पता चला कि लीजा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो वहाँ से उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया है। लेकिन एना उस बच्ची से बहुत प्यार करती थी। एना अनाथालय पहुँच गई उस बच्ची को लेने। एना ने लीजा को एडॉप्ट कर लिया और उन्हें अपने साथ घर में ले आई। वो उसे उतना ही प्यार करने लगी जितना वो अपने बेटे को करती थी। एना लीजा को किसी भी चीज की कमी होने नहीं देती थी। लीजा जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई तो उसे चलने में दिक्कत आने लगी, इसलिए एना ने लीजा को एक डांस क्लास में एडमिशन करवा दिया ताकि उसे शरीर में चलने में आई दिक्कत डांस के जरिए सही हो जाए। जल्दी ही एना की यह कोशिश रंग लाई। लीजा जल्द ही चलने लगी क्योंकि लीजा एक सांवली लड़की थी। उसके स्कूल में बहुत से लड़के लड़कियां ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन एना ने उसे समझाया कि दूसरों बच्चों पर वो ध्यान न दे। प्रेजेंट टाइम में लीजा एक जानी मानी फेमस मॉडल है और वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीत भी चुकी हैं। उसने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हुए हैं जो इन फ्यूचर आगे परफॉर्म करने वाली हैं। वो आज एक फेमस सेलिब्रिटीज बन चुकी हैं। इसी कारण से लीजा की असली माता को खबर मिलने में देर न लगी। आज लीजा अपनी असली माता पिता को देखना भी नहीं चाहती, ना ही उनसे बात करना चाहती है। लीजा आज भी यह सोचती है कि कैसे उसके माता पिता ने उसे कैसे एक बंद कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था। वो अपनी माता पिता एना को ही मानती है और उनके साथ ही पूरी जिंदगी बिताना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी एक सैड स्टोरी। आप इसके बारे में कुछ अपना राय रखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना। जय हिंद।